नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के जंगलों में और इस सीरीज़ में आपको जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जंगल में लोग रह रहे हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पे पहाड़ों में लोग कैसे रह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है और अभी उस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे आसपास कोई भी किराने की दुकान ऐसी नहीं है जहाँ पे कुछ खा सकते हैं, ला सकते हैं यहाँ पे। तो उस मकान के वहाँ पे भी हम चलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या उनकी लाइफ क्या है, कैसे रह रहे हैं लोग। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पूरा कच्चा रास्ता बना हुआ है और आसपास में देखिए यहाँ पे मोस्टली 5-6 मकान होंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। एक मकान यहाँ पे बना हुआ है, 2-3 मकान उस तरफ बने हुए हैं और एक यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी चलते हैं उन मकान के वहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे इस गर्मी के मौसम में खेती क्या कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। अभी हम इस मकान के यहाँ पे आए हुए हैं तो चलते हैं मकान के अंदर और इनसे हम जानते हैं। यहाँ पे पूरा एक कच्चा मकान बना हुआ है और ये है इनकी भैंसे जो इस तरह से यहाँ पे रहती है और ये बासा यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है बासा आपका? मारवाल जी नाम है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे आप कैसे रहते हैं? कुछ अगर खाने का लाना हो, खाने के पीने के लिए खाना तो कोई दुकान वगैरह है आसपास? दुकान कोई दुकान नहीं है। अच्छा, तो कितने किलोमीटर दूर होगा यहाँ से शहर? शहर 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप ही रहते हो या और कौन रहता है? लड़के सब। अच्छा, स्कूल कितना दूर है यहाँ से? स्कूल तो हुई है गाँव ही से। क्या नाम है गाँव का? गाँव पछाड़पुरा। पछाड़पुरा, अच्छा। अच्छा, खेती के लिए क्या रहता है, मतलब खेती कैसे करते हो यहाँ? खेती थोड़ा ये पूरा मकान बना हुआ है और ये है यहाँ पे रहते हैं और इनका ये जो नाने का इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये खाना बनाते हैं। गर्मी के टाइम में गाँव में कभी आप जाएंगे जंगलों में तो बाहर ही आपको इस तरह से दिखाई देंगे, चूल्हा है ये। हाँ, यहाँ पे खाना बनाते हैं। हाँ, ये देख लो हालत यह है, एक लड़को रहता है। ये है इनका मकान है। और ये है इनकी जमीन और सामने की साइड में कुछ फसल यहाँ पे है जो उनके गाय के लिए है, उनके लिए ये करते हैं। चारों तरफ ये पूरा पहाड़ है, जंगल ही है और इस जंगल के बीच में यहाँ पे ये रह रहे हैं। दोस्तों, एक मकान यहाँ पे बना हुआ है और अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रह रहे हैं लोग। ये है मकान, पूरा कच्चा मकान है, ऊपर केलू है और ये झोपड़ी बनाई हुई है। झोपड़ी के नीचे ही यहाँ पे गाय भैंसे रह रही है और ये है गाय माता। और कुछ मकान आगे बने हुए हैं, ये 4-5 मकान होंगे ज्यादातर। एक मकान ये यहाँ पे बना हुआ है। गाँव के अंदर गायों के लिए जो प्यू है वो इस तरह से इन्होंने ये बना के रखते हैं और ये यहाँ पे कुआं बना हुआ है, इसको
इस कुएं के द्वारा पानी निकालते हैं और इसमें जो है पेहू को पानी से भरते हैं। कुएं की गहराई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कुआ है। और यह है इनका मकान।